आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में आज से शुरू हुई सबसे बड़ी सेंट्रलाइज्ड किचन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। राज्य के 500 स्कूलों के 35,000 बच्चों को भोजन पहुंचाने का है लक्ष्य। जी हाँ, राज्य की सबसे बड़ी अक्षय पात्र केंद्रीयकृत रसोई का राजधानी देहरादून में शुभारंभ हो गया है। अक्षय पात्र केंद्रीयकृत रसोई देहरादून के सुद्धवाला में खोली गई है। इस रसोई से रोजाना 35,000 स्कूली छात्रों को पीएम पोषण कार्यक्रम के तहत मध्याह्न भोजन परोसा जाएगा। उत्तराखंड की पहली और देश में 63वीं रसोई सुद्धवाला में तकरीबन 2 एकड़ भूमि में 10 करोड़ रुपए की लागत से इस रसोई का निर्माण किया गया है। अक्षय पात्र केंद्रीयकृत रसोई इस फाउंडेशन की उत्तराखंड में पहली और देश में 63वीं रसोई होगी। अक्षय पात्र फाउंडेशन का उद्देश्य है कि देश में कोई भी बच्चा भूख और कुपोषण के कारण शिक्षा से वंचित ना रह पाए, इसी सोच के साथ अक्षय पात्र केंद्रीयकृत रसोई की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर अक्षय पात्र फाउंडेशन का और हंस फाउंडेशन का और हमारे शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगणों का, जिनके संयुक्त तत्वाधान में ये, जैसा धन सिंह जी कह रहे थे कि त्रिवेणी यहाँ से प्रारंभ हो रही है, इस नवनिर्मित रसोई के शुरू होते ही अक्षय पात्र फाउंडेशन देश के 14 राज्यों के 20,000 से भी अधिक विद्यालयों को प्रतिदिन 19 लाख विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराने का आंकड़ा भी छू लिया है। इसके लिए मैं एक बार करतल धोनी से चाहूँगा कि आप सब लोग एक बार आप सबका अभिनंदन करें। गुजरात में पहला अक्षय पात्र के साथी फाउंडेशन ने ये सेवा शुरुआत करी थी। वहाँ 1 लाख बच्चों का मध्यान्ह भोजन घर घर पहुँचाते थे, स्कूल स्कूल पहुँचाते थे। और बड़ी खुशी की बात है कि आज अक्षय पात्र जो है उत्तराखंड के इन सुदूर क्षेत्रों में आया है और हम फाउंडेशन ने यहाँ भी उनके साथ पूर्ण सहयोग के साथ हमारी भारत उत्तराखंड सरकार अक्षय पात्र और हम फाउंडेशन ने पूरा सहयोग देकर के ये 5 जगहों में शुरुआत कर रहे हैं, जिससे कि हमारे आज यहाँ से 35,000 बच्चों का भोजन जो है, जो बहुत से दूर इलाकों में स्कूल है जहाँ पे कि भोजन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ अक्षय पात्र के द्वारा बहुत बढ़िया भोजन पहुँचाया जाएगा। और इसमें हम फाउंडेशन बहुत बड़ा सहयोग के रूप में इनके साथ सेवा करता है। तो आप लोग सब जानते हैं कि हंस फाउंडेशन का बच्चों की शिक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य, हमारे जनमानस के स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ सुपोषण का भी हम लोग ध्यान करते हैं। अभी राजस्थान के कोटा में ओम बिरला जी की कॉन्स्टेंसी में 4,000 महिलाओं से हमने शुरुआत की है। उनको सुपोषण के, जब वो प्रेग्नेंट होती उन्हें पूरा भोजन नहीं मिलता था तो सुपोषण अभियान शुरू किया है। तो जब मातृ की माँ को ही सुपोषण मिलेगा तो आज आगे आने वाले बच्चे भी हेल्दी होंगे और उन बच्चों के लिए ऐसी अक्षय पात्र हंस फाउंडेशन द्वारा हम जगह जगह सेवाएं शुरू करेंगे। आपको बता दें कि सुद्धवाला में बनी इस अक्षय पात्र केंद्रीकृत रसोई से 35,000 स्कूली बच्चों को रोजाना मिड डे मील उपलब्ध करवाया जाएगा। इस रसोई से एक बार में 20,000 रोटी, 1200 लीटर दाल और 100 किलो चावल बन सकेगा। रसोई में आधुनिक मशीनों से भोजन बनाया जाएगा। इन मशीनों से एक बार में 1 क्विंटल आटा भी गूंदा जाएगा। इस रसोई को चलाने के लिए 150 कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जो दिन रात बच्चों के लिए खाने की जरूरत को पूरा करेंगे। जय भारत टीवी के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।